नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस स्पेशल एपिसोड दिल से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस चैनल पे आपने कई दिल से जुड़े हुए वीडियो देखे होंगे। आज है कि कोर्ट मैरिज करने के बाद से माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी और मैं कैसे कोर्ट मैरिज करूं, मैं इस पे जो मेरे अनुभव है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिएगा, खराब लगे तो डिसलाइक भी कीजिए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी लड़का या लड़की अपने घर से भाग के माँ बाप की बेइज्जती करा करके कभी भी कोर्ट मैरिज नहीं करना चाहते हैं। आखिर यह परिस्थिति क्यों पैदा हो जाती है जिसमें माँ बाप एक तरफ हो गए, उनके रिश्तेदार खानदान एक तरफ हो गया और लड़का और लड़की एक तरफ हो गया। उसके पीछे वजह है कि जिस लड़की को या जिस लड़के को, यानी आपने जिस पार्टनर को चुना है, वो माँ बाप के इच्छा के अनुसार नहीं है और कुछ जो उनकी सोच है, जैसे कास्ट हो गया, धर्म हो गया या फिनेंशियल स्टेटस ऊपर नीचे हो गया, इसके बेसिस पे उन्हें लगता है कि आपका चुनाव गलत है और जिसकी वजह से वो साथ नहीं देते। मैं यह मानता हूं कि कई दफा ऐसा होता है कि माँ बाप गलत नहीं होते, माँ बाप का जो एडवाइस होता है वो सही होता है, वो बच्चों के हित में होता है। उन्होंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ होता है, जो वो अपने लाइफ को देखते हुए आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको एडवाइस करते हैं जिसकी आपको सख्त जरूरत है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, उसकी आपको सख्त जरूरत है। लेकिन फिर भी जब मैं आपको यह बात कह रहा हूं, तब आप कोर्ट मैरिज कर लें, इसके बारे में फिर कैसे आप डिसाइड करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह होता है कि माँ बाप जो सोच रहे हैं वो अपने अनुभव के बेसिस पे सोच रहे हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेकिन आपको जो डिसाइड करना है वो भविष्य को देखते हुए डिसाइड करना है कि आपका रिश्ता कैसे बेहतर हो सकता है। तो अगर अनुभव और भविष्य दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए, अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि माँ बाप का सपोर्ट भी है और आपका अपना प्यार भी है, आपके अपने अपने पार्टनर भी है, उसके साथ शादी हो जाए तो यह शानदार है। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना चाहिए कि माँ बाप के डरने की वजह क्या है। दो तीन वजह होती है। सबसे पहली बात तो वो चाहते तो हैं मन ही मन कि शादी हो जाए, लेकिन उनको डर जो है वो रिश्तेदारों से है। उनको लगता है कि उनकी बहुत भयंकर बेइज्जती होने वाली है, उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे, उन्हें लड़की या लड़का बहुत पसंद आ रहा है, आपका पार्टनर बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन डर ये लग रहा है कि उनकी बेइज्जती होगी या पुलिस वाले आकर के धमकाएंगे या कुछ ऐसा होगा। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप उनको लॉ ठीक से बताएं, उनको सही तरीके से समझाएं। और ऐसा कर पाएंगे इसके लिए आपको अनेक वीडियो लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के चैनल पे ही मिल जाएंगे, जिसको आपको दिखाना चाहिए, जिसे उन्हें क्लियर हो जाए कि लॉ हमारा ये कहता है और कानूनी रूप से कोई भी रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति आपके माँ बाप को हार्म नहीं कर सकता। एक बात तो ये हो गई। दूसरा सिचुएशन अराइज ये होता है कि माँ बाप का सर्टेन कुछ ऐसा सर्टेन इश्यूज है जिसको लेकर के वो बिल्कुल एडमेंट है। वो कह रहे हैं कि भाई आप बड़ी जाति के हो, छोटी जाति में शादी नहीं कर सकते। तो आप सोचिए कि आखिर आपके माँ बाप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर उन्होंने कहा कि भाई कास्ट आप अपने कास्ट में करो, छोटी जाति में शादी मत करो, तो आप लेकिन चाहते हैं कि छोटी जाति में जाति कुछ नहीं होता, बिना जाति को में शादी कर लो, कोई बड़ा छोटा जाति नहीं होता, सब इंसान होते हैं, सबके खून एक जैसे लाल रंग के होते हैं। अगर आपके ख्यालात ऐसे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप सही में अगर अपने माँ बाप को गलत साबित करते हुए जिस व्यक्ति से शादी कर रहे हो उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक से निभा पाओगे तो आपके माँ बाप को भी बहुत खुशी होगी। लेकिन यह जरूर ध्यान रखिए कि शादी दो व्यक्तियों के बीच का ही नहीं होता है। अगर आप परिवार को लेकर चलना चाहते हैं तो दो व्यक्ति तो होते ही होते हैं, आप और आपके पार्टनर, लेकिन आपका परिवार भी जुड़ता है एक दूसरे परिवार के साथ में। उसमें कई लोग होते हैं, कई विचार होते हैं, कई परंपराएं होती हैं, वो आपस में जुड़ती हैं। तो उन सबका मेल ठीक तरीके से हो सके यह भी बहुत जरूरी है। तो आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए इस पॉइंट के ऊपर भी। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डर सताता रहता है कि मैं सभी चीजों से कन्विंस्ड हूं, सभी चीजें कन्विंस्ड हो गई, लेकिन मेरे शादी करने के बाद से सोसाइटी में जो माँ बाप का
माँ बाप की बेइज्जती होगी, उसको कैसे हैंडल करें। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि रिश्तेदारों की या हमारे सोसाइटी में जो ये मेमोरी है ना, बहुत शॉर्ट होती है। अगर आज एक मसालेदार कोई खबर मिल जाए, जैसे पड़ोसी ने भाग करके किसी लड़की के साथ शादी किया, तो 2 दिन 4 दिन गॉसिप के लिए होता है। अगर ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि भाग के शादी कर लिया, कुछ छोटी बात भी हो गई तो गॉसिप के लिए मिलता है। लेकिन 4 दिन 2 महीने 6 महीने 2 साल के बाद उसी के घर में पता चलता है कि वहां भी कुछ ऐसा हो गया जिससे कि आप गॉसिप कर रहे हो। तो ये सोसाइटी है और ऐसी चीजें चलती रहती हैं, ऐसी चीजें होती रहती है। आप उसके आधार पे आप अपने जिंदगी का अगर फैसला करेंगे तो संभव है कि आपका फैसला बिल्कुल सही ना हो। तो इसलिए आपको अपने दिमाग से ये ख्याल तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि कोर्ट मैरिज के बाद से माँ बाप की बेइज्जती अगर होगी तो फिर मैं कोर्ट मैरिज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। माँ बाप जहां कहेंगे मैं वहीं कर लूंगी, चाहे मुझे ही सारा कष्ट जिंदगी भर झेलना क्यों ना पड़े, मैं माँ बाप को वो दर्द नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। लेकिन आप एक बात और सोचिएगा इसके साथ साथ कि अगर आपने दुखी होकर के या आपने सोचा कि चलो मैं माँ बाप के फैसले को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, माँ बाप चाहे गधे से शादी करवा दे, किसी से करवा दे, मैं कर लूंगी या कर लूंगा, लेकिन निभाना भी तो पड़ेगा, उस रिश्ते को निभाना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि सबसे पहले जरूरी है कि केवल और केवल आप ये सोचें कि आप जो शादी करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से शादी करने जा रहे हैं, वो आपके मन मुताबिक है कि नहीं। आप उसके सभी परंपराओं को, उसके रिश्तेदारों को, उसके उसकी आदतों को, सब कुछ अगर स्वीकार करने को तैयार हो तभी शादी करें, उसमें माँ बाप की बेइज्जती का कोई परवाह ना करें। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कोई बात नहीं शादी हो जाएगा तो मैं उसको बदल दूंगी या उसको बदल दूंगी या उसके परिवार से हमें क्या लेना देना, अगर ऐसे ख्यालात हैं तो आपके माँ बाप सही साबित होंगे और उनका कहना सही साबित होगा कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो आप सभी चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तभी जा करके शादी करो, और सभी चीजें मालूम भी तो होनी चाहिए, तभी तो स्वीकार करना है। तो इसलिए शादी से पहले, कोर्ट मैरिज करने से पहले सभी चीजें मालूम कर लें, उसके बाद ही कोर्ट मैरिज का कोई स्टेप लें। नहीं समझ में आता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ही 8800444555, उस पर कॉल कर लें और जो भी आपको एडवाइस चाहिए हम आपको एडवाइस कर देंगे। भविष्य आपका है, जीवन आपका है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे उसके साथ रह सके। हम ये पूरा का पूरा, ये पूरी जो व्यवस्था है वो सिर्फ इस ओर जाती है कि आप सुखी रहें, खुशहाल रहें, अपनी मर्जी, अपनी लिबर्टी, अपने इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जी सके। तो आपकी आपका भी पूरा दायित्व है कि वो फैसला सोच समझ के करें, और वो फैसला केवल और केवल आपका होता है फैसला, उसमें ना माँ बाप शामिल होते हैं, कोई शामिल नहीं होता, केवल आप होते हैं। और कोई धारणा मत बनाइए कि मेरी शादी के बाद से किसी के की बेइज्जती हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। केवल आपका खुश रहना और आपका तरक्की करना, आपका अपने पैरों पे खड़ा होना शादी के बाद से, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।